स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज़ में। सब्सक्राइब कीजिए हिम न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हिमाचल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हिमाचल प्रदेश की पहली बड़ी खबर, कोरोना से 14 की मौत, 24 घंटे में रिकॉर्ड 936 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 14 की कोरोना से मौत हो गई है, वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 936 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। निरचौक मेडिकल कॉलेज में शनिवार को 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। धर्मपुर के कोर्ट की 95 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित महिला ने सुबह 8 बजे दम तोड़ दिया। महिला को 26 नवंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। इलेक्ट्रिक चिप की मदद से दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा देते 2 गिरफ्तार। हिमाचल पुलिस और कंडक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद अब प्रदेश में शनिवार को हुई दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में भी धांधली हुई है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते एक निजी कॉलेज में हरियाणा के जींद निवासी 2 युवक इलेक्ट्रॉनिक चिप से नकल करते पकड़े गए हैं। इसके बाद संबंधित कॉलेज प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। प्रदेश की बड़ी खबर, शादियों में अब सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत, नाइट कर्फ्यू का समय भी बदल गया। कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए 23 नवंबर को कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय एक हफ्ते के भीतर ही सरकार ने फिर बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नए फैसलों के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय में और 6 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा। नम आंखों से शहीद अंचित को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए अंचित के शव का पैतृक गांव धारपजेरा में शनिवार दोपहर बाद राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 22 वर्षीय अंचित को पिता राजेश शर्मा ने मुख्य अग्नि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। सेना के वाहन में पार्थिव देह राजगढ़ पहुंचते ही पूरा शहर अंचित शर्मा अमर रहे और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। 12वीं के हजारों विद्यार्थियों को राहत, कॉलेज में ले सकेंगे दाखिला। प्रदेश में कॉलेज में दाखिले की तिथि 5 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेजों के इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। निदेशालय के इस फैसले के कॉलेज में प्रवेश लेने से वंचित रह गए हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। विद्यार्थियों के इस मामले में प्रदेश के नंबर 1 अखबार अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस पर निदेशालय ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए कॉलेज में दाखिले की तिथि को अब 5 नवंबर तक बढ़ा दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 NH समेत 50 सड़कें अभी भी बंद, हिमखंड गिरने से दबी 280 भेड़ें। हिमाचल के कई इलाकों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद लोगों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में और रानी सैंज और ग्राफ काजा NH समेत 50 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं। मौसम खुलने के बाद हिमखंड गिरने का क्रम शुरू हो गया है। शनिवार को पार्वती घेटी के बरशैणी में शिला नाला पर हिमखंड गिरने से 3 भेड़ पालकों की 280 भेड़ें दब गई। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त। धन्यवाद।